भारत फ्रांस की दोस्ती कितनी मजबूत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर भारत और फ्रांस अपनी दोस्ती का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। रक्षा सहयोग बढ़ाते हुए अभ्यास करने जा रहे हैं। इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस विक्रमादित्य अपनी धमक दिखाएगा, तो वहीं फ्रांस की ओर से चार्ल्स डे गॉल इस रक्षा अभ्यास में शामिल होगा। यानी कि चालवा चीन को जल्द ही हाई वोल्टेज झटका लगने वाला है और उसे एक बार फिर यह एहसास हो जाएगा कि भारत के सामने वो कुछ न था और न रहेगा। इस अभ्यास की जानकारी रखने वाले भारतीय नौसेना के अधिकारियों की माने तो नए नियुक्त कमांडर रियल एडमिरल अजय कोचर फ्रांसीसी बेड़े के साथ होने वाले अभ्यास का हिस्सा होंगे। इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाले चार्ल्स डे गॉल की बात की जाए तो ये एक 42,500 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर नौसेना के अधिकारियों के साथ ही राफेल फाइटर जैसे जेट्स भी होते हैं। तो वहीं भारत की धाकड़ कैरियर यानी आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो इसका वजन 44,500 टन है, जिस पर MiG-29 के विमान तैनात होंगे। बता दें फ्रेंच कैरियर पर 2 युद्धपोत और 1 सपोर्ट वाला शिप मौजूद है और ये कई महीनों के लिए मिशन क्लेमेक्स्यू 21 पर है, जो कि भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी में आतंकवाद से लड़ने का काम करेगा। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि अप्रैल में फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते तब और भी ज्यादा मजबूत होंगे जब फ्रांस के विदेश मंत्री जीन ले ड्रायन भारत के दौरे पर आएंगे। वो अपनी यात्रा के दौरान एक थिंक टैंक को भी लेक्चर देंगे। भारत और फ्रांस ने इंडो पैसिफिक में नेविगेशन की स्वतंत्रता पर लगातार काम किया है, जिसमें पेरिस क्षेत्र के लिए एक विशेष दूत नियुक्त किया जाना भी शामिल है। इसके साथ ही दोनों देशों की दोस्ती पर 4 चांद भी लगने वाला है, क्योंकि 19 से 23 अप्रैल के बीच फ्रांस से भारत 7 और राफेल विमान आने वाले हैं। इसके बाद अंबाला एयरबेस पर पहला स्क्वाड्रन पूरा हो जाएगा। बाकी के बचे 18 राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती ईस्टर्न सेक्टर के हाशिमारा में होगी। खैर, ये दुनिया देख रही है कि भारत और फ्रांस की दोस्ती दिन दर दिन, साल दर साल बेहतर और मजबूत हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत फ्रांस की दोस्ती देखकर दुनिया दंग है। फिलहाल भारत फ्रांस के मजबूत रिश्ते सिर्फ रक्षा क्षेत्र को लेकर नहीं है, वैचारिक तौर पर भी दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो वहीं फ्रांस ने भी कई बार अपनी दोस्ती का पुख्ता सबूत भारत के सामने पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।